हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे पे नियर बाय एक्सिस बैंक के साथ मिलकर सेविंग अकाउंट ऑप्शन बोले तो आप किसी कस्टमर का सेविंग अकाउंट अब इजिली खोल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किस पर सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है, क्या है प्रोसेस, कमीशन उस पे क्या हमें देखने को मिलेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है एंड इसे कौन खुलवा सकता है। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो ब्रेक पहले स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। जो लोगों ने करंट अकाउंट ओपनिंग सीजन समझ गया है, सेम प्रोसेस है, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, थोड़ी बहुत चीजों की डिफरेंस है जो आपको इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल के साथ समझाएंगे और लाइव ओपनिंग प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले आपको अपने पे नियर बाय को लेटेस्ट अपडेट वर्जन साथ अपडेट कर लेनी है प्ले स्टोर से। अपडेट करने के बाद आपको पे नियर बाय ओपन करना है और यहाँ पे एक्सिस CASA सेक्शन के अंदर आ जाने जहाँ पे ऑप्शन आपको दिखता है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ईच अकाउंट न्यू कस्टमर। सबसे पहले बात करें कमीशन की, तो कमीशन यहाँ पे आपको ₹45 पर अकाउंट चाहे आप करंट खोल रहे हो सेविंग देखने को मिलेगा। हाँ, अकाउंट ओपनिंग करने से पहले आपके मेन वॉलेट में 500 या उसके ऊपर अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो डिपॉजिट अमाउंट होती है वो ₹500 होता है। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जीरो बैलेंस मेंटेनेंस, जीरो बैलेंस ओपनिंग। सिंपल भाषा में बताए तो कोई भी चार्जेस जो होते हैं वो यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमर नहीं ले रहा। 500 डिपॉजिट करोगे वो ₹500 कस्टमर से आपको लेनी है। अकाउंट आपको जिस अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस तक ₹45 पर कस्टमर यहाँ पे मिलेगा, लेकिन मैं वीडियो को एंड में बताऊंगा जिस पर अकाउंट खोलकर आप 300-400 एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हो। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग के तहत कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर कस्टमर लेके आपके शॉप पे आए हो, क्योंकि OTP रिक्वायर होगी, OTP लाइव चाहिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली 5 अलग स्टेप से, जिसे पहला स्टेप प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी है जो सिंपली करंट अकाउंट की तरह था, सेकंड स्टेप जो है OTP वेरिफिकेशन है, थर्ड स्टेप जो है इनिशिएट KYC फिंगर KYC होगी वेरिफिकेशन यानी थंब इंप्रेशन होगा, फोर्थ में कस्टमर का लाइव फोटो वेरिफिकेशन होगा और फिफ्थ में प्रोफाइल एंड इन्फॉर्मेशन की डिटेल जैसे पैरेंट डिटेल वगैरह वगैरह ली जाएगी। तो इन सब 5 स्टेप्स में हमें कंप्लीट इसे करना है। यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन है सेव एज करंट अकाउंट ओपनिंग के तहत देखने को हमें मिल रहा है। जब आप इन प्रोसेस को आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे आएगी ऑप्शन अकाउंट सेलेक्ट करने का, कस्टमर करंट खोलना या सेविंग अकाउंट, दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। दोनों में सिंपल ऑप्शन दिखेगा, लेकिन सेविंग अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना जो हाईलाइट अब कर रहा है, पहले नहीं करता था। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड जो है 0 है, कोई अमाउंट आप कम से कम मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, चार्ज फॉर नॉन मेंटेनेंस, ये वो होती है हर बैंक का एक चार्ज होता है, ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹10,000 रखने के लिए। अगर आप नहीं रखते हो तो पर मंथ आपको चार्जेस काटे जाएंगे प्लेंटी के तौर पे। तो यहाँ पे 0 देखने मिलता है, आप रखो ना रखो ये 0 बैलेंस, कम्प्लीटली 0 बैलेंस अकाउंट है और ये प्राइवेट बैंक एक्सिस है और 0 बैलेंस बहुत ही बड़ी बात है। साथ में आपको यहाँ देखने को मिलेगा वीजा कार्ड इनेबलिंग, वाइड कवरेज, चेक बुक, DD, NEFT, RTGS, IMPS फैसिलिटी देखने को मिले। तो बेसिकली अगर नॉर्मल लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जिनको कम नॉलेज है, वो आधार बेस पे यूज कर सकते हैं, ETC पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं अकाउंट का। जो लोग एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर है वो लोग इनको अपने मोबाइल बैंकिंग के साथ इन सारे सर्विस को यूज कर सकते हैं। बाकी अकाउंट ओपनिंग के साथ ज्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, कस्टमर जब को अकाउंट ओपनिंग करने के बाद विद इन 1-2 मंथ के अंदर उनको बाय पोस्ट ATM कार्ड, चेकबुक, हो सकता है अकाउंट का खाता भी भेजा जाए, लेकिन कस्टमर को इन सब चीजों का सर्विस बाय पोस्ट ही मिलेगा। अभी पे नियर बाय रिटेलर ये सब सर्विस खुद से प्रोवाइड नहीं कर सकते, हो सकता है हमें बाद में ये ऑप्शन देखने को मिले। इसके बाद आती है इनकम, इनकम क्या वहाँ पे डाले, देखो इनकम जो है वो कस्टमर पूछ के उनके बेस पे आप डाले, या कुछ भी खुद से बैठाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इनकम का इम्पैक्ट कस्टमर अकाउंट में पड़ता है। मान लीजिए कोई कस्टमर डेली बेस पे ₹400 कमाता है, महीने का 10-12 इनकम हो जाता है, तो उसको अगर 12 महीना यानी 1 साल में काउंट करोगे तो यहाँ पे कस्टमर का इनकम जो गया 1,20,000 से 1,44,000 बीच हो गया। तो कस्टमर कितना डेली कमाता है और मंथ में कितने दिन काम करता है, उस हिसाब से एवरेज इनकम निकाल कर उनसे पूछ कर ही आप भरे। अगर स्टूडेंट है तो वो तो कोई काम करता ही नहीं है, तो बिलो 50,000 1,00,000 के बीच आप अपने हिसाब से उनसे पूछ कर डाले, क्योंकि पार्ट टाइम आप ट्यूशन पढ़ाने वाने का काम करके भी वो कुछ ना कुछ तो अर्निंग करता ही होगा, तो एक हिसाब से डाल दे। हाँ, 0 मत कभी डाले, आप ये दे सकते हैं इनकम पे। उसके बाद इनकम सेलेक्ट करने के बाद आती है पेन डिटेल। पेन कार्ड में अगर कस्टमर का पेन कार्ड है तो डाले, इससे क्या होता है उसके अकाउंट की लिमिट जो होती है वो बढ़ जाती है। माने अगर मंथली 50,000 ट्रांजेक्शन करने का होता तो वो ये ज्यादा कर सकते हैं, तो पेन कार्ड ये फायदा होता है। बट अगर कस्टमर पेन कार्ड नहीं है, 18 साल से ऊपर है, तो पेन ईयर बाय से पेन कार्ड बना 2 घंटे पेन कार्ड बन जाता है। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो डोंट हैव पेन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड
कर देंगे। जे डोंट हैव पेन में क्लिक करेंगे आपको कुछ एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगेगा कि आपने पेन अप्लाई किया तो उसका नंबर दे, लेकिन अगर वो भी नहीं आपने अप्लाई भी नहीं किया तो नीचे एक फॉर्म सिस्टम मिलेगी जिसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को दर्शाना है। यहाँ पे कुछ रिटेलर भाई को ये इनकम का मतलब समझ में ही नहीं आता, जिसमें जो भरना हो भर देते हैं। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम। हो सकता है मेरी वीडियो लंबी हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहेगी। एग्रीकल्चर इनकम मतलब वैसे कस्टमर जो कृषि खेती करके आय का स्रोत है तो उनको एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम बढ़ाता है। बट कुछ लोग कृषि करने के अलावा कुछ दूसरा काम के भी इनकम करते तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आता। अगर वो कृषि संबंधित है तो वहाँ पर कृषि का इनकम डाले, आय का स्रोत सही सही बढ़े। कोई आदमी कृषि करता है नहीं, कोई और काम करता है, तो आप उस हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम को जीरो एंड बाकी जिस आय से। तो इन डिटेल को फिल करने के बाद इनकम के बाद आती है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर तीन डिक्लेरेशन है, जिसमें पहला डिक्लेरेशन कहता है आप इस अकाउंट का यूज को भी क्रिप्टो करेंसी का लेन देन के लिए नहीं करेंगे। दूसरी है आप इंडिया के सिटीजन हो। तीसरा जो बताया गया टर्म एंड कंडीशन है उसको आप समझते हो। तीनों टिक करने के बाद आप आगे अग्री टर्म एंड कंडीशन कर देंगे। उसके बाद आएगी अकाउंट के ओटीपी वेरिफिकेशन, जिसे आप कर लेना। कस्टमर वॉल पे ओटीपी 6 डिजिट का गिरेगा। इसके बाद आती है आपकी ई केवाईसी प्रोसेस यानी फिंगर वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपकी जो भी डिवाइस है मंत्रा मोर फोटो अटैच करनी है, कस्टमर का आधार नंबर डाल के उसका फिंगर कैप्चर ले लेना है। उसके बाद कहा जाएगा कि आपको एपीएस सर्विस आधार लिंकिंग एंड सीडिंग चाहिए, तो आप यस करें जरूर, इसको नो कभी ना करें। आई कस्टमर इस बैंक अकाउंट का ऐसे लेन देन का इस्तेमाल फिंगर से भी कर सके। बट आपको जैसे ही नेक्स्ट करोगे उसके बाद आएगी आपको आधार डीबीटी का ऑप्शन। यहाँ पर डीबीटी का मतलब समझो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपके गैस की सब्सिडी हो गए, आपके पीएम किसान के पैसे हो गए, आपके अलग अलग चीज स्कूल के स्कॉलरशिप हो गई, ये सब डीबीटी के तहत आधार कार्ड में जो बैंक लिंक किया जाता है यानी कि ऑपरेट किया जाता है आधार कार्ड पे सीडिंग किया जाता है, उस पे आधार कार्ड सिर्फ नंबर के बेस पे आपको उस बैंक में पैसा घुस जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे इनेबल करना, अगर आपसे पहले से किसी बैंक में आता हो तो यस करके उस बैंक में सेलेक्ट कर आप यहाँ करें, आपको इस बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करके आप इसे प्रोसीड डायरेक्टली कर देंगे। इसके बाद ये फेस वेरिफिकेशन, कस्टमर का लाइव फोटो यहाँ पे फ्रंट या बैक कैमरा के साथ, तो यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन कर ले। लेकिन एक चीज ख्याल रखे, फेस वेरिफिकेशन जब भी करे कस्टमर किसी व्हाइट बैकग्राउंड पे आप जैसे कि सिम एक्टिवेशन करते वक्त देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा और क्लैरिटी अच्छी आएगी। फेस वेरिफिकेशन करते वक्त आप कोई प्लेन दीवार या कोई व्हाइट बैकग्राउंड पे ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फेस वेरिफिकेशन उसकी आती है एड्रेस कम्युनिकेशन, तो जो एड्रेस होती है वो आधार कार्ड से ही ले लिया जाता है। तो आप यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली एड्रेस फिल करना था आपसे वो भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस जो आपके पिन कोड है उसके बेस पे आपके नियर बाय एक्सिस बैंक के ब्रांच दिखाई जाएंगे। एक से ज्यादा ब्रांच आपके सिटी में होगी तो वो सब दिखेंगे। आपको अपने नजदीकी जो ब्रांच है उसे चूज कर लेना चाहिए। कोई भी हेल्प एंड सपोर्ट के लिए आप उस ब्रांच पे विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एजेंट एक माध्यम है अकाउंट ओपनिंग करने का। आपका सारा सारा कम्युनिकेशन जो होगा लिंकअप होगा वो ब्रांच के साथ ही होगा। इसके बाद आपकी आती है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो फाइनल स्टेप्स है। आपके ईमेल आईडी अगर है तो भरे, ना तो इसे छोड़ दे। आप कितने पढ़े लिखे हो, क्वालिफिकेशन, आप शादीशुदा हो या नहीं हो, काम क्या करते हो, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, सैलरी क्या है वो सिलेक्ट करें। ऑक्यूपेशन नेम, टाइप नेम इजीली आपको यहाँ पे फिल कर लेना। आप किस प्रकार काम करते हो, नेचर ऑफ बिजनेस, वो सारी चीज, सोर्स ऑफ इनकम, आपकी आय का स्रोत क्या, ये सारी डिटेल को अपने हिसाब से चूज करते तो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है कस्टमर के बेस पे। उसके बाद आती है फैमिली डिटेल, मदर्स नेम, पेरेंट्स नेम, ईटीसी यहाँ पे, तो उसे भी आप सही सही फिल कर ले कस्टमर से पूछ कर। उसके बाद फिर एक बार आपको इनकम दर्शा जाएगा, आपने जो इनकम भरा वो सही सही भरा है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, ईटीसी आप सही सही मैच कर ले एंड इसके बाद फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आती है पेमेंट की बात। पेमेंट में आपको नियरबाय मेन वॉलेट से 500 रुपए काटे जाएंगे जो कस्टमर अकाउंट से डिपॉजिट हो जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए आपको कस्टमर चार्ज करने हैं, जिसके बदले आपको 45 रुपए पर अकाउंट ओपनिंग कमीशन पे नियरबाय तरफ से दिया जाए, जिसे आप अकाउंट सेक्शन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो कस्टमर से आप इसके अलावा शुल्क ना ले। ये पैसे कस्टमर अकाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, इस पैसे को कस्टमर फिंगर लगाकर या फिर जो भी उसके सिस्टम है यूपीआई कर जैसे भी कर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद आपको इस प्रकार का नोटिस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, मैंने वीडियो शुरू में कहा था कि आप अकाउंट ओपनिंग कर सिर्फ 45 रुपए से 200, 300, 400 रुपए तक अर्न कर सकते हो। किस प्रकार से, आपको सिंपली कस्टमर को अगर एंड्रॉइड फोन यूजर है उसे मोबाइल में एक्सिस बैंक के एप्लीकेशन साथ सेटअप करें, जहाँ पे वर्चुअली एटीएम कार्ड वगैरह देखने को भी मिलता है। जब इसे सेटअप कर दो तो आप यहाँ पे कस्टमर का यूपीआई भी बना सकते हो। यूपीआई सिंपली आपको मालूम है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ईटीसी एप्लीकेशन रेफर
रेफरल की अर्निंग बोनस देती है। तो अगर आपकी लक और सब कुछ सही रहा तो 200 रुपए आपको गूगल पे से, 100 रुपए फोन पे से और 100 रुपए पेटीएम से, यानी कुल मिला के 400 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपने सही सही प्रोसेस और एंड्रॉइड फोन यूजर कस्टमर है तो इजिली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आप 445 रुपए का रेवेन्यू हो सकता है, इससे ज्यादा भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो एक अकाउंट ओपनिंग कर, बहुत ही बेसिक सा काम कर पेन ईयर भाई के तहत एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपनिंग करके। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस किस प्रकार से आप किसी कस्टमर का पेन ईयर भाई एप्लीकेशन के तहत CASA में करंट अकाउंट तो खोला था, आप सेविंग अकाउंट भी इजिली इसी टाइप से खोल सकते हो। लेकिन डिटेल में हमेशा ख्याल रखे, जो डिटेल बड़े कस्टमर से पूछ कर भरे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आपको करंट अकाउंट किस प्रकार खोली जाती है उसके लिए आप ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। बाकी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।